तना जो है आई थिंक वो कराची से आई है, और मुझे वो चीज़ थोड़ा सा जो है वो ड्यूरिंग द शूट फील भी हो रही थी, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थी जिस तरह से बाकी लड़कियां कॉन्फिडेंट थी, लेकिन उसकी हाइट अच्छी है, उसकी शक्ल अच्छी है, और उसकी स्टाइलिंग भी बहुत अच्छी हुई हुई थी। मेरे ख्याल में वो आज सिर्फ थोड़ा सा जो है वो अंडर कॉन्फिडेंट होने की वजह से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई, लेकिन आई थिंक कि वो जो है वो आने वाली एपिसोड्स में जो है वो कुछ बेहतर कर पाएगी। सना के पास गॉड गिवन जो चीज़ें वो है टू बिकम अ गुड मॉडल, लेकिन अब जो आपने चीज़ें ठीक करनी है वो आपने खुद करनी है। आपकी शक्ल पे खौफ है वो मैं शूट में भी देख रही हूँ कि इतनी कॉन्शियस हैं आपके, वो नज़र आ रहा है आपकी शक्ल के ऊपर, और चलते हुए भी एक एक कदम को नाप तोल के, और वहाँ पे खड़े हुए भी शूट के वक्त जब आपको मैं देख रही थी तो खौफ था आपकी शक्ल पे, खौफ नॉट रियली खौफ मगर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस। और इसके अलावा मेरा ख्याल शानी बताएंगे कि कैमरे की नज़र से वेरी गुड इन पोजिंग, बल्कि इनफैक्ट जितनी भी लड़कियों में से जो अच्छी बॉडी लैंग्वेज थी उनमें से ये थी, लेकिन एक्सप्रेशंस के बारे में यस आई वुड से कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक डरे हुए एक्सप्रेशन थे, और विद द प्रैक्टिस विद द पैसेज ऑफ टाइम एज ए मॉडल आपको ये भी डिस्कवर करना होता है कि आपके कौन सी एलिमेंट्स ज़्यादा कैमरे के आगे अच्छे लग सकते हैं, आइदर इट्स योर स्माइल, आइदर इट्स योर लाइक स्टंट फेस, आइदर इट्स ब्लैंक फेस, किस टाइप का आपका एक्सप्रेशन कैमरे के आगे अच्छा लगता है, लेकिन डेड एक्सप्रेशन हमेशा बुरा ही लगता है। सो उसके हवाले से मैं आपको यही कहूँगा कि अपने एक्सप्रेशन के ऊपर आप जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा करो, और आपके साथ भी थोड़ा प्रॉब्लम ये था जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप कॉन्शियस होकर थोड़ा सा ज़्यादा पोज कर रहे थे, पोज भी जब आप कर रहे होते हैं तो यू हैव टू सी के कैमरे के आगे बहुत ज़्यादा ऑड ना लग रही हो चीज़ें, इट शुड बी क्लासी, इट शुड बी एलिगेंट इफ़ यू आर डूइंग सच अ बिग प्रोजेक्ट, तो ये चीज़ें हैं जिसको आपको स्टडी करने की ज़रूरत है। बाकी ओवरऑल यू हैव गुड हाइट, आपकी स्माइल अच्छी है, सो यू कैन वर्क। मुझे ये लग रहा है कि कराची में ये बेहतर जा रही थी, ये कराची से आई है और इसने कराची यहाँ लाहौर में आके डरो मत, लाहौर में रिलैक्स हो जाओ, और सबसे बड़ी बात जब मैंने आपको वहाँ कराची से ऑडिशन में सिलेक्ट किया है तो तुम अपने आप को रिलैक्स रखो, यहाँ पे आपको लग रहा है कि शायद कोई नई इन्वायरमेंट होती है, नए लोग होते हैं, अपनी जगह होती है, लेकिन जैसा सबने कहा आपके अंदर इतना पोटेंशियल है, लेकिन कुछ तो आपको अपनी जिम और वो तो डाइट की तो ज़रूरत है, वो बार बार हम रिपीट नहीं करना चाहते, लेकिन सब यही बात करें एक्सप्रेशंस और चीज़ों के ऊपर, अब मिनिमम ओवर से ज़्यादा बेहतर होता है हमेशा, बस शीशे के आगे से हिलो ही ना। ओके, यू हैव इट इन यू, कम अलाइव, शो इट टू अस, हमें दिखाओ, हमें देखना है, दैट्स व्हाई वी आर सिटिंग हियर टू जज यू। ओके, नेक्स्ट टाइम जब आप आएँ तो आपका वेट डेफिनेटली रिड्यूस होना चाहिए नेक्स्ट उसके अंदर जब आप आओ वॉक के लिए, ठीक है? थैंक यू। मुस्कान की पॉस्चर और मुस्कान का एक्सप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा फिल्मी था, और उसको मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, उसकी हाइट जो है वो भी छोटी है, और अगर आपकी कुछ शॉर्ट कमिंग्स हों जिनको आपको एज ए प्रोफेशन अगर आप मॉडलिंग कर रहे हैं तो आपको उन शॉर्ट कमिंग्स को ओवरकम करने की कोशिश करनी चाहिए। अब मुस्कान का अगेन थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि शी इज़ टू कॉन्शियस, अब बहुत कॉन्शियस हो, जैसे मुझे कोई देख रहा है, देखेंगे लोग ही देखेंगे, और मेरे ख्याल में चिन बहुत नीचे है, पूरा मुंह बहुत मतलब शी नीड्स टू कीप हर चिन अ लिटिल हाई, हल्के अप थोड़ा सा। और जो मैंने आपके बारे में एक चीज़ नोट की कि आप बहुत फिजिटी थी कॉन्स्टेंटली, यू नो यू वर फिक्सिंग समथिंग, कई दफ़ा आप अपनी ट्राउजर्स को पुल कर रहे थे, कभी कपड़ों को, सो यू नो वो उसको फिर आ जाती है नर्वसनेस नज़र आ जाती है, और वो चीज़ आ भी रही है नज़र सामने उसकी पिक्चर्स में, लेकिन वही बात है कि अभी मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा इन लोगों के लिए इनिशियल स्टेज है, तो सबकी जो एक ओवरऑल कन्फ्यूजन है वो इनके टैलेंट को शायद अभी किल कर रही है बहुत ज़्यादा। सो ये चीज़ बार बार हम जो रिपीटेडली कह रहे हैं, कन्फ्यूजन को ओवरकम ना होने दें, कन्फ्यूजन को हाइड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जैसे आप अपनी कन्फ्यूजन को थ्रू आउट पिक्चर में, मैं भी वही बात नोट कर रहा था जो आपने कही है, थ्रू आउट जो है आप अपनी कभी दान चबा रही थी, पोज आप पूरा कर रही थी बल्कि ज़्यादा पोज कर रही थी, लेकिन थ्रू आउट आपके फेस के ऊपर आपकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर कन्फ्यूजन थी, आप अपने हाथ को जैसे अभी भी स्टिल आपके हाथ जो है वो आपके पैंट के लूप्स में है, तो वो इट ऑल शोज योर कन्फ्यूजन। शी हैज अ वेरी नाइस स्माइल। हाँ, तो मेरे ख्याल में इनको सबको ये प्रैक्टिस करनी चाहिए कि शीशे के आगे
खुद से जज करें, मेरे ख्याल में मॉडल से ज्यादा सेल्फ प्रेजर कोई नहीं हो सकता. बिल्कुल, क्यों नहीं जा सकते. यू हैव टू प्रेज योरसेल्फ अंटिल एंड अनलेस. आप अपने आप को प्रेज नहीं कर सकते तो आप अपने आप को मॉडल नहीं समझ सकते. एंड यू कैन नॉट परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, यू कैन नॉट परफॉर्म ऑन द रैंप. सो अपने आप को प्रेज करें और अपने उन एलिमेंट्स को प्रेज करें जो कि आपको खुद अच्छे लगे. अच्छे लगे. आई एग्री विद शानी, यू हैव टू लव योरसेल्फ. एग्जैक्टली, आई वांट टू से That will bring that session to a point where the ghar wale nikal de baat. What is wrong with her? नहीं मगर उसी में फिर आप अपने आप को क्रिटिसाइज भी करते हैं. जब आप अपने आप को इतना गौर से देखेंगी तो देन यू विल अंडरस्टैंड कि अपने आप को जब क्रिटिसाइज करेंगी तो वो चीजें बेहतर होंगी. बेस्ट ऑफ लक, वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन. सदफ का करैक्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग डेवलप किया गया था और उसने भी अपने करैक्टर को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो प्रेजेंट किया. और मेरे ख्याल में शी इज़ टॉल, शी इज़ गुड लुकिंग. उसको थोड़ी सी अपनी मॉडलिंग स्किल्स को इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत है, अदरवाइज शी कैरीड इट वेरी वेल. सदफ की हाइट अच्छी है और एक्सप्रेशन भी अच्छे हैं, बट आर्म्स आर गॉर्जियस. हां हां, गॉर्जियस एंड गॉर्जियस. हां, मगर थोड़ा सा वजन ज्यादा है. वजन ज्यादा है. तुम और भी टॉल लग सकती हो अगर तुम स्किनी हो जाओ, पतली हो जाओ. ये डिजाइनर्स इस वक्त सोच रहे हैं, मैं आपको इमेजिन कर रही हूं अपने कपड़ों में. सो दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग कि यू नीड टू लूज सम वेट. यू हैव गॉट नाइस आर्म्स, मगर बाकी आपको लूज करना पड़ेगा और टोन अप भी करना पड़ेगा. टोन नहीं है आपके बॉडी. जिम करो, जिम. साइज जीरो जो बार बार बोल रहे हैं. और मेजरमेंट गेम इज जीरो. तो जीरो के अलावा मेजरमेंट्स आप लोगों को पता होनी चाहिए. नहीं, लेकिन वो जीरो कहेंगे तो ये वन टू पे जाएंगे. लेकिन ये कि आप देखिए इसका फेस इतना अच्छा है फॉर द मेकअप. इसके ऊपर मतलब कुछ लोगों को सिर्फ वेस्टर्न अच्छा लग सकता है, ये ईस्टर्न आई थिंक इसका फेस ऐसा जो दोनों चीज़ें कैरी करते हैं. तो आप अपने ऊपर काम करें. और दूसरी बात ये कि अपने जो काम है उसको थोड़ा सीरियस लें आप लोग सब लोग, ठीक है. इसको बाद अब तक यही होता है. वैसे मॉडलिंग को लोग समझते हैं कि मजाक है, बट इट्स रियली वेरी वेरी सीरियस और बहुत टफ है. बहुत टफ है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. स्पेशली विद द पैसेज ऑफ टाइम, जिस तरह से हमारी इंडस्ट्री माशाल्लाह ग्रो कर रही है. बिल्कुल बिल्कुल. अब कंपटीशन इतना ज्यादा इंक्रीज करता जा रहा है कि अगर आप प्रोफेशनली अगर मॉडलिंग को ना देखें तो यू कैन नॉट सर्वाइव. और मेहनत करके आए कि यार मुझे मॉडलिंग का शौक है. आपको बहुत अकड़ के बैठना होता है और इवन व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन द रैंप आपको कंफर्टेबल पोजीशन तो लेनी नहीं है ना, जो भी जो वॉट एवर इट इज. और हार्ड वर्क, अगेन हार्ड वर्क, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क. वेल डन.